हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और एक बार आज फिर से कुछ नए एनर्जी के साथ आपके बीच आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी सेशन को और देखेंगे इस सेशन में क्या आज का इम्पोर्टेंट किस तरह का सवाल है हमारे बीच। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, साइंटिस्ट सी द एविडेंस ऑफ अर्ली लाइफ इन एंशियंट रॉक्स। बड़ा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा ध्यान देने का है। पहले मैं इसके लिए थोड़ा टाइमर चला दूं। सॉरी, 0-30 सेकेंड्स पर्याप्त होते हैं। ये लिया जा, 30 सेकेंड्स मैंने आपको दे दिया, देख लिया जाए। कहते हैं साइंटिस्ट सी द एविडेंस ऑफ अर्ली लाइफ इन एंशियंट रॉक्स। साइंटिस्ट जो है ये अर्ली लाइफ के साइन को एंशियंट रॉक्स में देखे। तो सिंपल सा लाइन है, बढ़िया से देख लिया जाए क्या होगा सही इसका आंसर। चलिए, तो सिंपल सा सवाल था, साइंटिस्ट सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बाकी सेम वाक्य चल रहा है हमारा, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत नो एरर के साथ हो गई है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गलती से इस सवाल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयरिंग, क्या गड़बड़ी हुई है, देखकर चेक कर लो, बता दो मुझे क्या लग रहा है आपको। बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयरिंग, क्या गड़बड़ी है। टाइमिंग चल रहा है हमारा, अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी हैं, मैं थोड़ा टाइम दे लूं उसके बाद बात करूंगा, केवल बैलेंस करने का है। आसान सा सवाल था, देखो वाक्य की शुरुआत करी हमने भीवन से, ठीक है, आगे बढ़े फिर से यहां भीवन आया, एंड लाए तो एंड कहता बराबर लेवल के वर्ड्स को आगे बढ़ाओ, बराबर लेवल के वर्ड्स को आगे बढ़ाए तो कंपेयर होना चाहिए, कर दिया है हमने कंपेयरिंग, यही पार्ट हमारा गलत है, इसको भीवन में बदल दो, लिखना पड़ेगा कॉम्पेयर, लिखना पड़ेगा कॉम्पेयर, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सटीक है। सी ऑप्शन को अगर आपने आंसर के रूप में चुना है तो बेहतर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशीष ट्राइड टू स्मोकिंग बट डिड नॉट सक्सीड, आशीष ने कोशिश करी स्मोकिंग को करने का पर सक्सीड नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। क्या होगा, कौन से ऑप्शन आ जाएंगे। देख लिया जाए। चलिए, कहता है आशीष ने स्मोकिंग छोड़ने का प्रयास किया पर वो सफल नहीं हो पाया। तो गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। इसी तरह बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। गेट अवे इसका मतलब होता है बच निकलना, यानी बचकर भाग जाना, ठीक है, बच निकलना। स्केप के अर्थ में इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे तीसरी वर्ड है पुट आउट, परेशान करना, परेशान करना। डू अवे में अगर विथ जोड़ देंगे ना, डू अवे विथ, तो निपटना परिस्थिति से, सिचुएशन से। आंसर देखेंगे, गिव अप इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यहीं पर हमने ध्यान दे लेना। अगला बढ़ते हैं। कहता है आशीना हैज इनवाइटेड सम ऑफ हर फ्रेंड्स कॉफी, आशीना ने अपने कुछ मित्रों को कॉफी के लिए इनवाइट किया। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, देख लिया जाए, ठीक है। टाइमर चल चुका है, नहीं चला है देख लो, थोड़े टाइम में आपको दे दूं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है,
आपको याद रखना है इनवाइट अपने साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। अगर आपने ये बात याद रखा है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन आपके हाथ पे है, ठीक है। क्वेश्चन आपके उंगलियों पर नाचेंगे अगर सही ढंग से क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर दिया, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखा है। बेसिकली मैंने समझाया था इनवाइट ऐसा वर्ड है जो अपने साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। इनवाइट अपने साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन में किस ऑप्शन में ऑप्शन टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है टू प्रीपोजिशन, सी को टिक करेंगे, क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, चार वर्ड मीनिंग आपको दिए हुए हैं, जल्दी से ध्यान देना है, पढ़ना है, बताना है। थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। इसी से वर्ड आता है एम्पलीफायर, यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र कहते हैं एम्पलीफायर को, ठीक है। तो बूस्ट सेम मीनिंग होता है बढ़ना। कर्टेल का मतलब हो गया कमी करना, कर्टेल का कमी करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, और शॉर्टेन का मतलब हो गया छोटा करना, शॉर्टेन का मतलब छोटा करना, ठीक है। आंसर आपके सामने आ गया, वर्ड इन सिमिलर पूछा था, सिनोनिम्स पूछा था, हमने बूस्ट को आंसर के रूप में चुन लिया है, ये हमारा सटीक आंसर है। अगला है कैजुअल, कैजुअल के लिए आपको मैं थोड़ा टाइम दे दूं और देखता हूं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं कितने विद्यार्थियों से। अभी भी कुछ टाइम बचे हुए हैं, देखो कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब हो गया अचानक, इसी को हम लोग कहते हैं ओकेजनल, मतलब अचानक। सीरियस अगर हो गया तो गंभीर। प्लांड का मतलब पहले से तैयार। डेलीबरेट का मतलब जानबूझकर। बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इनसेन का सही मीनिंग, इनसेन का सिनोनिम्स कौन सा होगा, जरा जल्दी से कमेंट किया जाए, फिर इस पर बात करेंगे। चलिए इनसेन का मतलब हो गया पागल, साइको, ये ना। अब देखते हैं सन की, इसको बोलते हैं सन की। सिनोनिम की बात करें तो क्रेजी का मतलब सन की होता है, रीजनेबल मतलब कारणीय यानी कारण से संबंधित, हेल्दी मतलब स्वास्थ्य, बैलेंस्ड मतलब संतुलित, बैलेंस मतलब संतुलित। सिनोनिम्स की बात कर रहे थे, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, क्रेजी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंडर का एंटोनिम अब आ गए हैं, हिंडर का एंटोनिम क्या होगा देख लेना है। हिंडर का एंटोनिम ऑप्शन में अरेस्ट है, एड है, चेक है, कर्व है। बहुत ही आसान सा सवाल लग रहा है, चेक कर लिया जाए क्या यह सही हो पाता है या नहीं, फिर बात करेंगे इस पर। कहते हैं हिंडर का मतलब होता है बाधित करना, हिंडर का मतलब बाधित करना।
अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना, चेक का मतलब जांचना, एड का मतलब सहायता करना, सहायता करना, ये थोड़ा ता घूम गया है हमारा। कर्व का मतलब हटाना, दूर करना, तो कहता है बाधित करना का उल्टा क्या होगा, मदद करना, सहायता करना। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आया जाए, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट का सही मीनिंग क्या होगा, जरा जल्दी से कमेंट किया जाए, तब तक मैं टाइमर दे दूं आपको। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट से बना हुआ एक वर्ड बहुत ही चर्चित है आपका, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। चलिए, तो प्रोविडेंट में बात कर ले, प्रोविडेंट का मतलब होता है सोच समझ कर खर्च करने वाला, सोच समझ कर खर्च करने वाला। उल्टा बात कर रहे तो वेस्टफुल, इसको हम लोग बोलते हैं खर्चालू, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला। कौशस हो गया तो सचेत सावधान, सेविंग का मतलब बचत, और प्रिपेयर्ड का मतलब हो गया तैयार। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ा जाए, कहते हैं सबटल, है ना। सबटल का सही मीनिंग ढूंढना है, एंटोनिम चेक कर लिया जाए। चलिए, सबटल का मीनिंग सही होगा आपका या तो सूक्ष्म या संवेदनशील। तो सूक्ष्म वाला तो कोई मीनिंग इसमें मैच नहीं कर रहा, संवेदनशील का उल्टा कठोर मैच कर जाएगा। तो ये आंसर कर दो। इम्प्लाई का मतलब निहित होना, निहित होना का मतलब होता है छुपा हुआ होना। फाइन का मतलब उत्तम, इनडायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब हो गया एकदम फेस टू फेस, और इनडायरेक्ट का घुमा फिरा के, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, डी इसका सही आंसर है। कुछ कुछ मीनिंग में बड़ा कंफ्यूजन है। चलिए मुहावरे पर आ गए, इल एट एज, क्या होंगे इल एट एज में। चलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। इल एट एज मतलब परेशान होना, परेशान की स्थिति। टू बी अनकंफर्टेबल, टू बी इन फैशन, टू बी इन पजलिंग स्टेट, टू बी इन डेंजर। तो पहला ही लगाना दो, अनकंफर्टेबल होना। परेशान का मतलब क्या है, रिलैक्स्ड नहीं है, तो परेशान हो गए, अनकंफर्टेबल की स्थिति आपकी हो गई। नेक्स्ट वर्ड है गेट द अपर हैंड, मतलब लाभ की स्थिति में होना, लाभ की स्थिति में होना। कौन सा लगेगा, तो पहला रिवेंज, बदला, टू स्टार्ट टू गो, शुरू करना,
टेक रिस्क खतरा लेना और गेट एन एडवांटेज फायदा उठाना लाभ उठाना। कहता है टुडे इज द ओरिजिनल डे टू कंप्लीट दिस, आफ्टर इट यू वॉन्ट बी एबल टू डू सो। कह रहा है कि आज ही ओरिजिनल दिन है, आज ही सही दिन है इसे पूरा करने का, ठीक है, आज के बाद ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो भैया आज के बाद नहीं पूरा होगा, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट डे। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंतिम दिन के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही बात अंतिम दिन की हो रही है, सीधा सा बात लास्ट डे पर क्लिक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेंशन इज बेटर देन क्योरी, तो कहावत है बाबू, एकदम रट जाओ। इट इज आर जे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है, रक्षा इलाज से बेहतर होता है। भाई इलाज कराने से बेहतर है अपने आप को बचा के रखो, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहावत वाली लाइनें हैं, कभी कभी कहावत की लाइनें डायरेक्ट पूछ दी जाती है। साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी, ठीक है, किसी डिक्शनरी को लिखने कंपाइल करने का साइंस क्या कहा जाएगा। थोड़ा टाइम दे देते हैं इसमें आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। चलिए वापस आते हैं, साइंस ऑफ राइटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरी। तो पहला आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब सुलेखन, अच्छा लिखने की कला। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, अपनी जीवनी खुद से लिखने की एक्टिविटी को हम लोग आत्मकथा कहते हैं। बिबिलियोग्राफी का मतलब होता है एक पुस्तक, पुस्तकों का पुस्तक लेख भी कहते हैं, और एक होता है पुस्तकों का लिस्ट भी कहते हैं, सूची, पुस्तकों की सूची, उसको भी बिबिलियोग्राफी कहते हैं। तो दो दो वर्ड्स हैं जहां पर कंफ्यूज होने का चांसेस है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश निर्माण, शब्दकोश निर्माण, तो यही तो पूछ रहा था, डिक्शनरी कंपाइल करना यानी शब्दकोश का निर्माण करना। अगला आते हैं साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। भाई ये पूरी यूनिवर्स का साइंस, ठीक है, क्या कहा जाएगा। तो दो बातें हैं, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व का नागरिक, अब पूरा यूनिवर्स का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान। क्रॉनिकल का मतलब समसामयिकी, कनाउजर का मतलब कला परीक्षक, परीक्षक। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दो वर्ड आपके पास आ गए हैं करेक्ट स्पेलिंग के, जरा इसको सॉल्व कर ले जल्दी से, आंसर बताया जाए। ये दोनों के लिए 30 सेकंड मैंने इकट्ठे टाइम दे दिया है।
चलिए पहला वर्ड है हमारा चैलेंज, इसके करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे CHALLENGE। चैलेंज का मतलब हो गया चुनौती देना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट आपको देखना है डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब होता है रोग अनुसंधान, रोग जांच। चेक करेंगे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड बुक्स, ये मैंने बताया कि सबसे आसान सेगमेंट है हमारा, यहां किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये क्या है, पहला पार्ट जितना दिया ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसे बनाने के लिए क्या करना होगा, अगला में चेक करना होगा कि हमने भर्व देखना है कि अगला वाक्य का शुरुआत भर्व से होगा। स्पेयर्स नाउन है, मैन नाउन है, हैव भर्व लगा है, शुरुआत क्यू से करेंगे। ऑप्शन सी काटो, बी काटो, बच गया ए और डी। अब देखते हैं गुड बुक्स हैव ऑलवेज हेल्प्ड, किसकी मदद करते हैं अच्छी किताबें, तो मैन की। ठीक है, तो पहले क्यू आएगा, बगल में पी आएगा, ये भी कट गया, ऑप्शन ए करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है देयर इज ए, ए यानी आर्टिकल आया, आर्टिकल आना मीन्स पीछे कोई नाउन आएगा, यहां प्रीपोजिशन, यहां वर्ब, ये सेंस नाउन है। शुरुआत आर से करेंगे, पी से शुरुआत किया ये ऑप्शन गया, क्यू से शुरुआत किया ये ऑप्शन गया, डी ऑप्शन में लिखा है बाबू, देखो नीचे दिख नहीं रहा है, क्यू पी आर, और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आर पी क्यू। तो हमने बोला आर ऑप्शन हमारा पहले आना चाहिए था, ये भी कट गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर, सिंपल। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा आज का सेशन है, और जाते जाते कुछ अच्छी सूचनाओं के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज आपको हम एक ऐसे विद्यार्थी से मिलाने जा रहे हैं जिसे शायद आपने अपने क्लासेस में भी देखा होगा, तो इनका रिजल्ट हुआ है, सफल हुए हैं, तो बेहतर होगा कि ये खुद ही आपको अपने बारे में बताएं। तो आइए स्वागत करते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है, जो कि मैं 2020 में यहाँ पर श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में आया हूँ, और जो कि मैं एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मेरे पिताजी बहुत छोटे मोटे एक फार्मर हैं, मेरे को इतना दूर आने का मौका कभी मिला नहीं। और मेरे डायरेक्टर सर डॉक्टर श्री त्रिनूर कुमार सिंह मेरे को बताया कि यहाँ पर नेवी और एयरफोर्स की तैयारी होती है, जो कि मैंने उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। और मेरे सर राकेश सर हैं, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और हो गया जबकि इन वॉयस हो गया, नरेशन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, पीकी वाला हो गया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं। क्लास में अगर पढ़ते हुए 1 आवर्स, जो कि बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पर समझाते हैं। और यहाँ पर हम बाहर से आया हूँ, सीतामढ़ी जिला से आया हुआ हूँ, जो कि सर से भेंट करने के लिए आया हूँ और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैं बहुत ही दूर से आया हूँ यहाँ पर रहने के लिए, आज भर रुकूँगा और कल यहाँ पर फिर मैं सीतामढ़ी जिला चले जाऊँगा। और मैं 2021 में आया था, यहाँ पर मैथ हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ पर डॉक्टर फैकल्टीज ही यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, डॉक्टर टीम है, फिजिकल टीम है, जिम है, यहाँ पर सुबह शाम ले जाते हैं फिजिकल के लिए, सुबह शाम ले जाते हैं फिजिकल के लिए, खाना पीना की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर होती है। मैं इसी के साथ अपना बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।